नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाती हूँ हमारे देश की एक बहुत ही खूबसूरत मिथिला चित्रकला, जो कि बिहार की एक चित्रकला मानी जाती है और ये फोक आर्ट में आता है। मैं आपको धीरे से पूरी ड्राइंग दिखाने की कोशिश करती हूँ और फिर इसको एक्सप्लेन करूँगी। आशा करती हूँ कि मैं स्लो चल रही हूँ। ये बहुत बड़ी पेंटिंग है दोस्तों, पूरी दीवार पे है। ऊपर तक छत को भी कवर कर रही है और यहां तक ये पेंटिंग स्प्रेड है। दोस्तों, इस वक्त हूँ मैं अपने ऑफिस में और मैं यहाँ जो है ये ऑफिस, क्योंकि इंडियन आर्ट को रिप्रेजेंट करता है और ख़ासकर फोक आर्टिस्टों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, उनकी वर्कशॉप्स भी लगाते हैं, उनकी दुकानें भी लगाते हैं ताकि आप उनसे खरीद सकें, उनका रोज़गार बढ़ता रहे और सारी दुनिया जाने उनके बारे में। तो बहुत सारी वॉल पेंटिंग्स बनी हुई है इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए दोस्तों, तो इतनी है कि मैं एक दिन में इनको कवर नहीं कर पाऊँगी, तो मैं अपने व्लॉग में अलग अलग दिन में आपको एक एक पेंटिंग की डिटेल बताऊँगी दोस्तों और ये दिखाऊँगी कि पेंटिंग की क्या खासियत होती है। तो शुरुआत करते हैं मिथिला चित्रकला से और इसकी क्या खासियत होती है और इस पेंटिंग में, स्पेशली इस वॉल में क्या दिखाने की कोशिश की गई है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम यहाँ से। ये एक गांव का दृश्य है, ये पूरी जो पेंटिंग है वो एक गांव की दिनचर्या को दिखा रहा है और इसमें आप देखिए स्विमिंग हो रही है। स्विमिंग में एक पुरुष भी हैं, एक महिला भी हैं, साथ में बतख हैं, कमल के फूल हैं और सब खुश हैं दोस्तों। पानी की लहरें दिखाई गई है बहुत ही खूबसूरती के साथ लाइन्स में। और अब अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ें तो ये है एक गांव का खूबसूरत घर, मंदिर। आप देखिए एक महिला है जो पूजा कर रही है, शिवलिंग बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत सा और इनके हाथ में फूलों की टोकरी है जिसमें हम अमूमन जो होता है प्रसाद, अपने दिया बाती, अपने फूल तेल ये सब रखते हैं। घंटी बजा रही हैं, पूजा कर रही हैं। और अगर इस तरफ बढ़ें तो ये प्यारी सी बेटी जो है वो स्कूल जा रही है, ठीक है। और ये हैं शायद पंडित जी जो पूजा के लिए पुष्प निकाल रहे हैं, ये बेटा स्कूल जा रहा है। थोड़ा सा नीचे आती हूँ दोस्तों तो कितना खूबसूरत घर है और इस घर में दिखाया गया है कि गाँव में घरों को कैसे सजाया जाता है दोस्तों। कोई भी पार्ट घर का ऐसा नहीं होता जो देखने में अच्छा ना लगे। छतों को भी सजाया गया है और ये घर की बड़ी बुजुर्ग महिला होंगी, बड़ी महिला होंगी जो सफाई कर रही हैं सुबह सुबह उठ के। और देखिए ये तोता क्या बोल रहा है, सीताराम सीताराम। कितनी खूबसूरती, कितनी डिटेल दिखाई गई है दोस्तों इस पेंटिंग में। और हम अक्सर अपना खाने की जो पहली रोटी होती है वो निकालते हैं भगवान के नाम से और चिड़ियाओं को देते, तो ये देखिए ये चिड़िया रोटी खा रही है लालटेन लाइट के लिए और खाना भी बन रहा है। और ये कोई शर्मीली सी शायद न्यूली मैरिड एक बहू है जो चुपके से जो है विंडो से बाहर देख रही है। अब अगर हम ऊपर आते हैं दोस्तों तो ये हैं किसान जो खेतों में काम कर रहे हैं, उनकी गायें हैं, गायों को भी बहुत खूबसूरती के साथ सजाया हुआ है। और ये पेड़ देखिए, अब इस पेड़ को देखिए आप दोस्तों, इसकी डिटेलिंग देखिए, ऊपर तक गई और कैसे ये छाया दे रही है, कितना खूबसूरत पेड़। और इस पेड़ के चारों तरफ अलग अलग प्रकार की चिड़ियाँ हैं दोस्तों, इस पेड़ को इंजॉय करती हुई। साथ में ऊपर अगर आप मेरे उल्टे हाथ की तरफ देखें तो सूर्य देवता भी विराजमान है, शायद आपको सीधा हाथ दिखाई दे, कैमरे में उल्टा दिखता है। और ये मछली पकड़ रही हैं महिलाएं पानी से, नहीं दो दो मेरे ख्याल से पुरुष हैं जो मछली पकड़ रहे हैं। एक चिड़िया का घोंसला भी दिख रहा है। गाय देखिए आप, ये गाय हो गई, ये गाय का बछड़ा है,
जो वेट कर रहा है कि जल्दी से दूध निकालो आप, तो फिर मैं दूध पीना शुरू करूं अपनी माता जी का। और ये जो है महिला दोस्तों, अपने काम करते हुए किसान हस्बैंड के लिए खाना लेके जा रही है। सिर पे उनके खाने की टोकरी है और हाथ में छोटा सा बच्चा। ये पेंटिंग किसने बनाई है उसकी डिटेल यहाँ पे है, आप देख सकते हैं इन आर्टिस्ट का। इन फ्यूचर कभी आप इनसे मिलना चाहें, कभी इनसे कांटेक्ट करना चाहें, तो आप भी अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में इन पेंटिंग्स को बनवा सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ दोस्तों। ये एक लोहार है, लोहे का सामान बना रहे हैं अपने इक्विपमेंट के साथ। और ये है एक पॉटर, यानी कि मिट्टी के घड़े बनाने वाला परिवार। पति पत्नी मिलकर मिट्टी के घड़े, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं। ये मिट्टी लेके आ रहे हैं उनका बेटा जो है। ये छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं दोस्तों, छोटे छोटे ये इक्विपमेंट्स हैं जिनसे काम करते हैं पॉटर्स। और अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, आरी के साथ लकड़ी का कुछ काम कर रहे हैं ये। ये सारे रोज़गार दिखाए जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये हैं फर्नीचर बनाने वाले कारपेंटर्स। और ये देखिए कुर्सी बन रही है, टेबल बन रही है, खूबसूरत खूबसूरत सामान। और अब अगर यहाँ आए दोस्तों, तो एक खूबसूरत शादी का दृश्य है। दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, कुछ रिचुअल चल रहा है। और ऑफ कोर्स क्योंकि मिथिला के की चित्रकला है, मिथिला के आर्टिस्ट हैं, तो मिथिला की ही शादी दिखा रहे हैं वो अपनी पेंटिंग में। और ये होता है जो इनकी शादियों में ये बनाया जाता है, लकड़ी से शायद बनता है ये। और इसको क्या बोलते हैं, इस वक्त मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है दोस्तों। और ये इनकी शादी में ज़रूर रखा जाता है। अब आप ऊपर आइए तो कढ़ाई करती हुई महिलाएं बातें भी कर रही हैं, और बढ़िया से अपने जो है बहुत बड़ा सा एक शॉल काट रही हैं। उसके ऊपर अगर आप देखें तो पेंटिंग बनाई जा रही है, मिथिला पेंटिंग ही बना रहे हैं एक पति पत्नी मिलके। बगल में आइए तो ये बैम्बू का काम हो रहा है दोस्तों, बांस का काम हो रहा है, उसमें टोकरियां बन रही हैं। और मैं थोड़ा क्लोज दिखाती हूँ, ये टोकरियां बन रही हैं दोस्तों, बांसुरी बन रही है, झूला है साथ में। और ये देखिए ये चूड़ियां बना रही हैं, ये हो रहा है चूड़ियों का बिजनेस। ये कोई त्यौहार है जिसमें सारी महिलाएं डांस कर रही हैं, घड़े इसमें इस्तेमाल हुए हैं और गोल गोल घूमकर कोई ट्रेडिशनल मिथिला का डांस हो रहा है दोस्तों। और ये शायद कपड़े की रंगाई कर रही हैं, एक महिला कपड़े को रंग रही है और दूसरी उसको डिज़ाइन कर रही हैं। ये फूल तोड़ रही हैं, पत्ते तोड़ रही हैं ये महिला बैठ के। पता नहीं दोस्तों ये क्या कर रही है, मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन कुछ या तो दवाई बना रही हैं बैठ के, मेरे हिसाब से कोई दवाइयाँ बना रही हैं, घरेलू दवाइयाँ, देसी दवाई जिसको बोलते हैं। ये पेंटिंग बना रही हैं, कैंची से काट रही हैं, और दूसरी जो है वो सिलाई कर रही हैं। और ऊपर देखिए दोस्तों ये पेंटिंग, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत गुड़ियाएँ बना रही हैं महिलाएँ बैठ के, गप्पे मार रही हैं। पूरा घर सजा हुआ है, छोटी छोटी डॉल्स लटकी हुई हैं वॉल से। तो देखिए दोस्तों आपने, ये थी हमारे भारतीय लोक कला की एक छोटी सी झलकी। ऐसे अनगिनत आर्ट है हमारे देश में, हर प्रदेश की अपनी एक अलग खासियत है दोस्तों। और सच बताऊं तो मैंने इन लोगों को बनाते हुए भी देखा है, काम करते हुए भी देखा है। जिसे हम कहते हैं दांतों तले उंगली दबा लेना, वो वाली फील आती है। बहुत ही मन के साथ इन लोगों ने इस आर्ट को अपने जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ाया है। पारिवारिक इनका ये काम रहता है, और यही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को इतना फेमस किया है दोस्तों, कि आज हर कंट्री से लोग यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ बसना चाहते हैं। और यहाँ के कल्चर को पूरी दुनिया भर में ये लोग बताते हैं, उसको फेमस करते हैं। तो आप लोगों से आशा है दोस्तों, आप लोग भी आइए यहाँ पे और देखिए, और इनका प्रोत्साहन ज़रूर बढ़ाइए और ख़रीदिए इनको, क्योंकि घर में लगे हुए फोक आर्ट की बात ही कुछ और होती है, बहुत अपनापन सा फील होता है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और मिलूंगी आपसे ऐसे ही व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।